Hello friends, I am Ashish Aggarwal and I welcome you all to Digital Marketing Steps. Digital Marketing Steps पर आप सभी का स्वागत है. अगर आप मेरे बारे में कुछ जानना चाहते हैं तो दोस्तों मेरी वेबसाइट है www.ashishaggarwal.com और डिजिटल मार्केटिंग की अपनी वेबसाइट है digitalmarketingsteps.com. दोस्तों सबसे पहले इस चैनल पर आपको क्या मिलेगा और ये चैनल किस लिए है, आइए जानते हैं. दोस्तों इस चैनल पे मैं आपको कंप्लीट डिजिटल मार्केटिंग के नॉलेज प्रोवाइड करने वाला हूँ. जी हाँ, जो कोर्स 24 या 25 मॉड्यूल्स का होता है वो सारे मॉड्यूल्स एक एक करके आपको इस चैनल पर पढ़ने को मिलेंगे. अगर आप आने वाले 4 महीने या 5 महीने तक मेरे चैनल से जुड़े रहते हैं तो आपको पाएगा कि आपने कंप्लीट डिजिटल मार्केटिंग कोर्स कर लिया है. हाँ जी, और इतना ही नहीं, कोर्स के साथ साथ कोई भी सॉफ्टवेयर में अपडेट्स आते हैं या ऐप्स में अपडेट्स आते हैं जिसकी की रिक्वायरमेंट होती है डिजिटल मार्केटिंग करने के लिए, वो सारे अपडेट्स भी आपको बताए जाएंगे इस चैनल के ऊपर. और साथ ही साथ कोई भी नए प्रोडक्ट्स या प्रोडक्ट्स जो आपको ज़रूरी होते हैं डिजिटल मार्केटिंग के लिए, उसकी अनबॉक्सिंग करके उसका पूरा यूसेज भी बताया जाएगा. और आपके बिजनेस को प्रमोट करने के लिए क्या टिप एंड ट्रिक्स हो सकते हैं, उस सब की जानकारी आपको यहीं मिलेगी दोस्तों. तो सबसे पहले डिजिटल मार्केटिंग है क्या, डिजिटल मार्केटिंग से हम क्या हासिल करेंगे और ये ट्रेडिशनल मार्केटिंग से किस तरीके से डिफरेंट है. दोस्तों ट्रेडिशनल मार्केटिंग वही तरीका, टीवी, न्यूज़पेपर, होर्डिंग्स, दोज ऑल. सबसे पहली चीज़ तो ये महंगे बहुत हैं और इनमें आपको कभी नहीं पता होता कि आपने जो पैसा खर्च किया उसका आउटपुट क्या आया है. आपके पास जो कस्टमर्स आ रहे हैं वो टीवी देख के आ रहे हैं, आपका होर्डिंग देख के आ रहे हैं या फिर आपके न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट से आ रहे हैं. दूसरी तरफ आप अगर फेसबुक, ब्लॉगिंग, यूट्यूब या किसी भी मदद से आप एडवर्टाइज़ करते हैं, जो कि डिजिटल मार्केटिंग का तरीका है, इससे आपको पता होता है कि आपका कोई भी कस्टमर लाने की कॉस्ट क्या है. कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा कि आप एडवर्टाइजिंग में पैसा ज़्यादा खर्च कर रहे हैं और आपकी इनकम कम आ रही है. दोस्तों आज छोटी से छोटी कंपनी और बड़ी से बड़ी कंपनी, भले ही वो ट्रेडिशनल मार्केटिंग कर रही है चाहे नहीं कर रही है, वो डिजिटल मार्केटिंग ज़रूर कर रही है. डिजिटल मार्केटिंग के बिना फ्यूचर बिजनेस अवेल नहीं हो पाएंगे. सो दोस्तों अगर आपको मार्केटिंग करनी है, अगर आपको बिजनेस करना है, तो आपके लिए डिजिटल मार्केटिंग सीखना बहुत ज़रूरी है. आपको कौन कौन से कोर्स, कौन कौन से मॉड्यूल्स आपको यहाँ पर सीखने को मिलेंगे, जैसे कि डिजिटल मार्केटिंग क्या है, वेबसाइट प्लानिंग और क्रिएशन कैसे होता है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, सोशल मीडिया मार्केटिंग, पीपीसी, पे पर क्लिक, ये पेड ऑप्शन है, ईमेल मार्केटिंग, मोबाइल मार्केटिंग, अफिलिएट मार्केटिंग, ई कॉमर्स, लीड जनरेशन, यूट्यूब मार्केटिंग, ऑनलाइन रेपुटेशन मैनेजमेंट. जी हाँ दोस्तों, क्योंकि ये डिजिटल मार्केटिंग का ज़माना है, कोई भी आकर आपके बारे में कुछ भी लिख सकता है. जब आपके बारे में नेगेटिव कमेंट्स आएंगे तो उनको आपको पॉजिटिव कैसे करना है, ये भी आपको यहाँ पर सिखाया जाएगा. और साथ ही साथ आप डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू पैसे कैसे कमाएं. हो सकता है आपका बिजनेस है, उसको प्रमोट करने के लिए आप डिजिटल मार्केटिंग करें, लेकिन अगर आपका कोई बिजनेस नहीं भी है तब भी आप डिजिटल मार्केटिंग की हेल्प से बहुत पैसा कमा सकते हैं, एंडलेस पैसे कमा सकते हैं. मैं आपको कितने ही नाम गिना सकता हूँ जो सिर्फ और सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग को यूज़ कर लाखों रुपये महीना कमा रहे हैं. सो दोस्तों ये सब कुछ भी आपको यहाँ पर बताया जाएगा. सो दोस्तों व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग. डिजिटल मार्केटिंग इज द मार्केटिंग ऑफ प्रोडक्ट्स और सर्विसेज यूजिंग डिजिटल टेक्नोलॉजीज, मेनली ऑन द इंटरनेट बट ऑल्सो इंक्लूडिंग मोबाइल फोन्स. मोबाइल फोन्स आर नाउ स्मार्टफोन्स एंड दे आर नथिंग विदाउट इंटरनेट. डिस्प्ले एडवर्टाइजिंग एंड एनी अदर डिजिटल मीडियम, देर आर सो मैनी डिजिटल मीडियम. कैसे कैसे हम लोग अपनी मार्केटिंग कर सकते हैं, एवरीथिंग यू आर गोइंग टू लर्न ऑन दिस चैनल. आपको एक पूरा मॉड्यूल है इंट्रोडक्शन टू डिजिटल मार्केटिंग, लीड्स क्या होती हैं, वेबसाइट क्या होती हैं, आपको वेबसाइट से लीड्स कैसे जनरेट होती हैं, ट्रैफिक कैसे जनरेट होता है, इच एंड एवरीथिंग, क्या ट्रेंड कर रहा है, क्या नॉन ट्रेंडिंग है, एवरीथिंग यू विल फाइंड ऑन दिस चैनल. वेबसाइट प्लानिंग एंड क्रिएशन, अगर आपको वेबसाइट बनानी है तो आपको कौन सी वेबसाइट बनानी है, आपको स्टैटिक वेबसाइट बनानी है, डायनेमिक बनानी है, ई कॉमर्स बनानी है, आपको ब्लॉग उसमें रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए, देयर आर सो मेनी थिंग्स. अलग अलग बिजनेस के लिए अलग अलग टाइप की वेबसाइट्स होंगी, सर्वर आपको कौन सा लेना है, आपको डोमेन क्या होना चाहिए,
इंडिया में है तो आपका डोमेन क्या होगा, यूएस में है तो आपका डोमेन क्या होगा। तो ये सब चीज़ें आप जब हमारा कोर्स ये करेंगे यहाँ पर, जब आप हमारी वीडियोस देखेंगे, तो आपको एक एक पॉइंट्स आपको क्लियर मिलेगा यहाँ पर। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कि द बेस्ट प्लेस टू हाइड अ डेड बॉडी इज द सेकेंड पेज ऑफ द गूगल। जी हाँ, कोई भी आपको सेकेंड पेज पर जाकर सर्च नहीं करता। अगर आपका वेबसाइट, आपका बिजनेस गूगल में या किसी भी सर्च इंजन में फर्स्ट पेज पर रैंक नहीं कर रहा है, तो आपको लीड्स मिलने के चांसेस ना के बराबर हैं। फर्स्ट पेज में भी अगर आप टॉप 5 में नहीं हैं, तो आपके चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, क्योंकि जब भी आप किसी लैपटॉप, कंप्यूटर, मोबाइल पर सर्च करते हैं, तो आपकी स्क्रीन पे टॉप 3 या टॉप 5 रिजल्ट ही आते हैं, उसके अलावा सारे रिजल्ट नीचे रह जाते हैं। और नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं कि जो भी पहला सर्च आता है या दूसरा सर्च आता है, उस पर क्लिक करते हैं। अगर उस पर हमारी रिक्वायरमेंट्स पूरी हो रही होती हैं, तो हमें दूसरा सर्च करने की ज़रूरत नहीं है। सो दोस्तों, SEO एक तरीका है जिसके थ्रू हम लोग अपनी वेबसाइट्स को, अपने URLs को बेस्ट रिलेटेड कीवर्ड्स के मदद से टॉप पर लेके आते हैं। हम लोग सर्च करते हैं कि हमें कौन से कस्टमर चाहिए, हमें कस्टमर से क्या चाहिए, और अगर कस्टमर वो चीज़ सर्च करता है, वो कीवर्ड डाल के सर्च करता है, तो हमारी वेबसाइट टॉप पे आए, हमारी वेबसाइट टॉप 2 में आए, टॉप 1 में आए, तो ये कैसे आएगी? इसका एक तरीका होता है, उस तरीके को हम बोलते हैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ये दो तरीके के होते हैं, ऑन पेज एंड ऑफ पेज। दोस्तों, जब आप मेरी फ्यूचर में वीडियोज़ देखेंगे, तो आपको मिलेगा बिल्कुल डिटेल में ऑन पेज बताया जाएगा, बिल्कुल डिटेल में ऑफ पेज बताया जाएगा। सो दोस्तों, SEO में टॉपिक्स होंगे, व्हाट इज़ मीन बाय SEO, सर्च इंजन क्या होते हैं, कीवर्ड्स क्या होते हैं, कीवर्ड रिसर्च कैसे करते हैं, ऑन पेज कैसे करते हैं, ऑफ पेज कैसे करते हैं, मेटा टैग्स, और साथ ही साथ अगर आपने पूरा SEO का कोर्स कर लिया, अपने SEO से रिलेटेड सारे वीडियोस देख लिए, तो आपके लिए करियर अपॉर्चुनिटीज क्या है। अगर आपको सिर्फ और सिर्फ SEO बहुत अच्छे से आता है, तो आप कितना पैसा कमा सकते हैं डेली, आप कितना पैसा कमा सकते हैं, आप जॉब कर सकते हैं, आप इंडिपेंडेंट बिजनेस कर सकते हैं, और क्या क्या हो सकता है, इसके ऊपर भी आपको एक प्रॉपर वीडियो मिलेगी। दोस्तों, सोशल मीडिया मार्केटिंग, सोशल मीडिया के बिना आज बिजनेस कुछ भी नहीं है। और आप लोगों को पता होगा कि आज के दिन चुनाव होते हैं, तो सोशल मीडिया किस तरीके से एक्टिव हो जाता है। मैं बिजनेस की बात नहीं कर रहा, मैं पॉलिटिक्स की बात कर रहा हूँ। हर सेक्टर में सोशल मीडिया अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। श्री नरेंद्र मोदी जी, आप सभी को पता होगा, इनको जिताने के पीछे सोशल मीडिया का कितना बड़ा हाथ है। दोस्तों, अगर आप सोशल मीडिया की मदद से कुछ भी हासिल कर सकते हैं, अपने बिजनेस को कितनी भी हाइट्स पे पहुंचा सकते हैं, आप सेलिब्रिटीज़ को देखिए, वो भी सोशल मीडिया पे एक्टिव होते हैं, जिन्हें किसी पहचान का कोई मोहताज नहीं है, उसके बावजूद भी सोशल मीडिया की मदद से वो अपने बिजनेस को, वो अपनी पहचान को कई गुना तक बढ़ाते हैं। दोस्तों, ये कैसे होता है, किस तरीके से हम लोग सोशल मीडिया की मदद से हम लोग अपने बिजनेस को ग्रो करते हैं, ये सारा कुछ हम आपको बताएंगे। आप जितनी भी मैंने यहाँ पर सोशल मीडिया साइट्स के नाम लिखे हैं, वो सब आप ज़रूर जानते होंगे, फेसबुक, ट्विटर, पिंटरेस्ट, गूगल प्लस, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम। दोस्तों, इन सब पर ऑप्टिमाइजेशन कैसे करना है, किस तरीके से फेसबुक की मदद से हमें बिज़नेस को ग्रो करना है, आपको इंडिविजुअल्स को ग्रो करना है, अपने फॉलोवर्स बढ़ाने हैं, हर चीज़ आपको बताई जाएगी डिटेल में। यहाँ पर मैंने सारे पॉइंट्स लिखे हैं, क्या क्या मैं आपको बताने वाला हूँ, व्हाट इज़ मीन बाय सोशल मीडिया मार्केटिंग, हाउ सोशल मीडिया मार्केटिंग इज़ डिफरेंट देन अदर्स, प्रैक्टिसेस क्या होनी चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या ट्रेंड में चल रहा है। और दोस्तों, अगर आपने सोशल मीडिया भी अगर अच्छे से कर लिया है, तो आपके लिए करियर अपॉर्चुनिटीज़ की लाइन लगी होंगी। जी हाँ, आने वाले सालों में लाखों नौकरियां निकलनी हैं, जो सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया से रिलेटेड होंगी। PPC एंड गूगल एडवर्ड्स, दोस्तों पेपर क्लिक या गूगल एडवर्ड्स, ये आप सिनोनिम कह सकते हो, वैसे है नहीं, क्योंकि देर आर मेनी अदर प्लेटफॉर्म्स जहाँ पर PPC होते हैं। PPC का मतलब होता है पेपर क्लिक। आप जैसे फेसबुक भी होता है, फेसबुक ने भी अपना PPC लॉन्च किया हुआ है, जहाँ पर आप पे करके आप लीड्स हासिल करते हैं। जी हाँ,
लेकिन फेसबुक भी आजकल बहुत ट्रेंड कर रहा है और फेसबुक पर आपको लीड सस्ती मिल जाती हैं इन रिलेटिव टू गूगल एडवर्ड्स, लेकिन दोनों अलग अलग टाइप के हैं। फेसबुक पर आप लोगों को दिखाते हैं कि ये ऑप्शन अवेलेबल है, लेकिन गूगल पर लोग सर्च करके आते हैं, जिसकी रिक्वायरमेंट होती है गूगल पर वही आता है, और फेसबुक पर कई बार वो लोग भी उनके भी लीड्स आ जाती हैं जिनकी रिक्वायरमेंट नहीं होती है। सो दोस्तों आपको पूरा इसका डिफरेंस मिलेगा, किस तरीके से आपको एडवर्ड्स पर एड चलाने हैं, किस तरीके से आपको किसी अदर सोशल मीडिया के PPC पर एड चलाने हैं, ये सारा कुछ आपको इस कोर्स में मिलेगा। PPC से क्या मतलब है, ओवरव्यू क्या है, एडवर्ड स्ट्रक्चर क्या होगा, स्ट्रक्चर क्या होगा, या फिर अगर कोई और एड्स ट्रेंडिंग में रहता हो तो वो उस प्लेटफॉर्म पर हम ऐड कैसे करेंगे, किस तरीके से हम अपनी कॉस्टिंग को कम से कम लाएंगे, हमारा क्वालिटी स्कोर अच्छा कैसे होगा, हर चीज़ आपको इस कोर्स में बताई जाएगी। ईमेल मार्केटिंग, आप जब भी अपना इनबॉक्स खोलते होंगे आपको मिलती होंगी कई सारी ईमेल्स फ्रॉम द डिफरेंट कंपनीज एंड पर्संस। वो सारी ईमेल्स कैसे आती हैं, किस तरीके से आपका नाम लिखकर लोग आपको ईमेल करते हैं, ये एक बहुत बड़ा मार्केट है। वाइल कई लोगों का मानना ये है कि ये मार्केट ख़त्म सा हो गया है, लेकिन आज भी इस मार्केट में बहुत जान है और इस मार्केट के थ्रू बिज़नेस बहुत ज़्यादा होता है, और जिनका भी ये मानना है ख़त्म हो गया है, सॉरी बट ये ख़त्म नहीं हुआ है, ये और बढ़ गया है। जी हाँ दोस्तों, आपको ईमेल मार्केटिंग के थ्रू अपने बिजनेस को प्रमोट करना बहुत सस्ता और बहुत इजी पड़ता है। दोस्तों हम आपको बताएंगे कि ईमेल मार्केटिंग में किस किस तरीके से आप अपना बिज़नेस को ग्रो कर सकते हैं, ईमेल मार्केटिंग क्या है, कौन कौन से प्लेटफॉर्म्स हैं, इनके चार्जेस क्या होते हैं, आप फ्री में कैसे कर सकते हैं, और सिर्फ ईमेल मार्केटिंग में क्या करियर अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती हैं। मोबाइल मार्केटिंग, दोस्तों जियो ने आने के बाद इंटरनेट मार्केटिंग और मोबाइल पे तहलका मचा दिया है। इंडिया में मोबाइल यूजर्स की संख्या बढ़ गई है, इंटरनेट यूजर्स 10 गुने तक हो गया है, हर छोटे से छोटा बिजनेस वेबसाइट्स पे तब्दील हो गया है, हर इंसान का सोशल मीडिया अकाउंट हो गया है। सो दोस्तों जब इतना रिवोल्यूशन हो रहा है, उस समय अगर आप मोबाइल ऑप्टिमाइज नहीं हैं, अगर आपने मोबाइल पर अपना मार्केट नहीं किया, अपने बिजनेस को मार्केट नहीं किया, तो आप एक बहुत बड़ा पोर्शन आप मार्केटिंग के लिए छोड़ रहे हो। तो आपको हर चीज़ लैपटॉप या डेस्कटॉप के साथ साथ मोबाइल के लिए भी ऑप्टिमाइज़ करनी होगी। व्हेन यू आर डूइंग ए बिजनेस यू हैव टू थिंक फॉर मोबाइल एंड नॉन मोबाइल बोथ। हम लोग मोबाइल मार्केटिंग कैसे करते हैं, इस चीज़ को भी इन डेप्थ हम समझेंगे डिजिटल मार्केटिंग स्टेप्स पर। अफिलिएट मार्केटिंग एक तरीका है जिससे कि आप ऑनलाइन बिना पैसे लगाए सामान बेचकर पैसे कमा सकते हैं। जी हाँ, अगर मैं इसको एक शब्द में कहूँ तो दिस इज एजेंसी। आप किसी बिजनेस के एजेंट बनते हैं और आप उससे कोई सामान परचेज नहीं करते, जस्ट रेफर करते हैं, एंड रेफर के बदले अगर सामने वाले का कोई सामान बिकता है तो आपको कुछ कमीशन मिलती है। ये कुछ कमीशन बहुत बड़ी भी हो सकती है। जी हाँ, कई सारे अफिलिएट मार्केटर हैं जो 10,000 रुपये से लेकर 10,00,000 रुपये महीने तक कमा रहे हैं। आप भी ये पैसा कैसे कमा सकते हैं, कौन कौन से प्लेटफॉर्म हैं जहाँ पर आप अफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हैं, आपको क्या करना चाहिए अफिलिएट मार्केटिंग के लिए और क्या नहीं करना चाहिए, क्या क्या सही तरीके हैं अफिलिएट मार्केटिंग करने के, ये सब कुछ आपको जानने को मिलेगा सिर्फ और सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग स्टेप्स पर। आप लॉगिन भी कर सकते हैं हमारी वेबसाइट https://digitalmarketingsteps.com। आपको सारे कोर्स वहाँ पर भी मिलेंगे, अभी मात्र 4 या 5 कोर्स वहाँ पर अपलोडेड हैं और डे बाय डे वहाँ पर कोर्स इंक्रीज हो रहे हैं। सो दोस्तों आपको सिर्फ ट्यून इन रहना है डिजिटल मार्केटिंग स्टेप्स पर, और आपको डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड सारी जानकारी यहाँ पर मिलेगी।
ई कॉमर्स इंडस्ट्री बहुत तेज़ी से ग्रो कर रही है और ई कॉमर्स से जुड़ी हुई सारी जानकारी मैं आपको डिजिटल मार्केटिंग स्टेप्स पर देने वाला हूँ। आपको यहाँ पर ई कॉमर्स वेबसाइट बनाना तक मैं सिखाऊंगा। आप अपने घर में बिना पैसा लगाए ई कॉमर्स वेबसाइट अपने आप बना पाएंगे। जी हाँ, बहुत ही आसान है ई कॉमर्स वेबसाइट बनाना, जो कि आपको इस कोर्स को करने के बाद लगेगा। आज आप एक ई कॉमर्स वेबसाइट बनाने के लिए 15,000 रुपये से लेकर 5 लाख रुपये तक पे करते हैं, जो कि आप सिर्फ एक डोमेन और एक होस्टिंग की मदद से बना सकते हैं। जी हाँ, इसमें इस कोर्स में जो मैं आपको बताने वाला हूँ, आपको कंप्लीट ई कॉमर्स वेबसाइट बनाने की तरीके भी बताए जाएंगे। लीड जनरेशन, विदाउट कस्टमर्स बिजनेस इज नथिंग। लीड्स नहीं होगी तो बिजनेस कहाँ से होगा दोस्तों। डिजिटल मार्केटिंग इज टोटली डिपेंड ऑन लीड। आप कुछ भी करते हो, SEO करते हो, SMO करते हो, एफिलिएट मार्केटिंग करते हो, या फिर आप मोबाइल मार्केटिंग करते हो, ईमेल मार्केटिंग करते हो, आप कोई भी काम करते हो, आपका पर्पस सिर्फ एक ही होता है कि आपको डेटा मिले, आपको कस्टमर का ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर, एड्रेस कुछ भी मिले। आपको ये जो ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर या एड्रेस कुछ मिलता है, दैट इज़ कॉल्ड ए लीड। जी हाँ दोस्तों, पहले लीड जनरेशन होती थी टेलीकॉलिंग के थ्रू, कोल्ड कॉलिंग के थ्रू, घर घर जाकर, लेकिन आज तरीका बदल गया है। आज हम लोग ऑनलाइन तरीके से लीड जनरेशन करते हैं और ये तरीका आपको बहुत सस्ता पड़ता है, बहुत इफ़ेक्टिव पड़ता है। आप एक बार इसे अपना के देखेंगे, इसे यूज़ करके देखेंगे, तब आप इसके पावर को जान पाएंगे। लीड जनरेशन कैसे होता है, कौन कौन से तरीके अपनाने चाहिए, लीड फनल क्या होता है, किस तरीके से किसी लीड को हम बिजनेस में कन्वर्ट करें, ये सारा कुछ मैं आपको बताने वाला हूँ लीड जनरेशन के कोर्स में। यूट्यूब मार्केटिंग दोस्तों, यूट्यूब वर्ल्ड का दूसरा सबसे बड़ा सर्च इंजन है। जी हाँ, पहला आप जानते हो कि गूगल है और गूगल और यूट्यूब एक ही कंपनी है दोस्तों। सर्च इंजन के मामले में यूट्यूब दूसरा है, लेकिन अगर आप वीडियो सर्च इंजन बोलें तो यूट्यूब पहला है। अगर यूट्यूब पे जाकर आप कुछ भी सर्च करते हो, आपको उसका वीडियो मिल जाएगा, और एक वीडियो नहीं मिलेगा, कई कई वीडियो मिलेंगे दोस्तों। तो आप भी यूट्यूब मार्केटिंग के थ्रू किस तरीके से पैसे कमा सकते हैं, यूट्यूब मार्केटिंग के थ्रू किस तरीके से अपने बिजनेस को प्रमोट कर सकते हैं, ये सारा कुछ आपको बताएंगे और आपको हर चीज़ बिल्कुल बिगिनर लेवल से बताई जाएगी। जैसे कि यूट्यूब मार्केटिंग क्या है, आप चैनल कैसे बनाएंगे, आप वीडियो अपलोड कैसे करेंगे, आप वीडियोस कैसे बनाएंगे, आप SEO कैसे करेंगे, आप किस तरीके से सब्सक्राइबर और वॉच टाइम बढ़ाएंगे, यूट्यूब से पैसे कैसे कमाएंगे, आपकी और क्या कैरियर अपॉर्चुनिटीज हो सकती हैं यूट्यूब में, हर चीज़ आपको बताई जाएगी डिजिटल मार्केटिंग स्टेप्स पर। ऑनलाइन रेपुटेशन मैनेजमेंट दोस्तों, व्हेन वी आर डूइंग बिजनेस, हमें पॉजिटिव और नेगेटिव सब कुछ मिलता है दोस्तों। पॉजिटिव इज ऑलवेज गुड, लेकिन हमें नेगेटिव को पॉजिटिव कैसे बनाना है, ये हर किसी को नहीं आता है। जिसने ये कला सीख ली, उसने बिजनेस करना सीख लिया। आपको डिजिटल मार्केटिंग स्टेप्स पर भी हम सिखाएंगे कि किस तरीके से आपको नेगेटिव को पॉजिटिव बनाना है। अगर किसी ने आपको नेगेटिव कमेंट्स भी दिए हैं, तो उसे किस तरीके से लोगों को दिखाना है कि उसने नेगेटिव तो दिए हैं, लेकिन आप कितने अच्छे तरीके से आपने उसे रिस्पॉन्ड किया है। जी हाँ दोस्तों, यही कला है ऑनलाइन रेपुटेशन मार्केटिंग। अब इसमें हम आपको सारे ट्रिक्स बताएंगे, टिप्स बताएंगे कि आपको किस तरीके से आपको अपना रेपुटेशन मैनेज करना है ऑनलाइन। एडसेंस एंड ब्लॉगिंग इज़ ए पार्ट ऑफ SEO, ऐसा मैं बोलता हूँ। ब्लॉगिंग के थ्रू आप कितना भी बड़ा अपना नेटवर्क बना सकते हो। जी हाँ, आपने कई सारे ब्लॉगर्स के नाम सुने होंगे, हर्ष अग्रवाल, ऑन साउथ मिलाउड, नील पटेल, ऑन neilpatel.com, डिजिटल दीपक, देयर आर एंडलेस। ये जितने मैंने नाम बताए मेरे ही निश के हैं, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे आपने नाम सुने होंगे दोस्तों। ब्लॉगिंग एक जरिया है जिसके थ्रू आप ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आप लोगों तक पहुंचाते हो। दिस इज़ ए टू वे कम्युनिकेशन। आप अपने कमेंट्स
पे भी आंसर करते हो, और साथ साथ में आप अपनी वेबसाइट की रैंकिंग भी बढ़ाते हो ब्लॉगिंग के थ्रू। और ब्लॉगिंग के थ्रू हम लोग इनकम कैसे कमाएंगे, क्या होती है ब्लॉगिंग, ब्लॉगिंग हम लोग कैसे करते हैं, ब्लॉगिंग करने का डूज एंड डोंट्स क्या है, एवरीथिंग यू आर गोइंग टू लर्न ओवर हेयर। एडसेंस इज ए डिफरेंट चैप्टर, ब्लॉगिंग इज ए डिफरेंट चैप्टर, दो अलग अलग मॉड्यूल्स हैं, इवन दो मैंने दोनों एक जगह लिख दिए हैं। सो दोस्तों, आपको ट्यून रहना है डिजिटल मार्केटिंग स्टेप्स पर, आपको हमारे वीडियोस रेगुलर वॉच करने हैं। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और दोस्तों बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि मैं जब भी कोई वीडियो पोस्ट करूं तो वो सबसे पहले आपकी स्क्रीन पर पहुंचे। दोस्तों ये एक बहुत बड़ी मुहिम मैंने शुरू की है, और दोस्तों इसमें आप पाएंगे कि आपको डिजिटल मार्केटिंग की कंप्लीट नॉलेज मिली है, और आपको कोई भी क्वेरी होती है आप कमेंट पे डालें, हर कमेंट का मैं आंसर ज़रूर देने की कोशिश करूँगा। मेरी ईमेल आईडी है dmstepsindia@gmail.com, आप उस पर डालें, आप हमारी वेबसाइट पे जाएं digitalmarketingsteps.com, वहाँ पर भी आपको सारे कोर्स मिलेंगे, आपको वीडियोस भी मिलेंगे और वहाँ पर आपको पढ़ने को भी मिलेंगे। जी हाँ फ्रेंड्स, आप जुड़े रहें और जोड़ते रहें। धन्यवाद।